आज हम लोग केंद्र गुरुत्व केंद्र या सेंट्रोइड पढ़ेंगे। ये गुरुत्व केंद्र या केंद्रक या सेंट्रोइड क्या है और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है, और उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आजकल एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, उन सवालों को भी हम लोग देखेंगे। आइए आज हम लोग देखें सेंट्रोइड या केंद्रक। और केंद्रक देखने से पहले अभी हम लोग सबसे पहले एक बात जान लें जिसका यूज आज मैक्सिमम होगा। कोई त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज का आधार मान लिया जाए, यहां हम लोग डी बिंदु ले लेते हैं, तो आधार जिस रेशियो में बटा होता है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में होता है। आधार जिस रेशियो में बटा होगा इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में होगा। जैसे इसका आधार बीडी है और इसका आधार डीसी है, तो एबीडी और एडीसी के क्षेत्रफल का अनुपात भी बीडी और डीसी के अनुपात में होगा। जैसे देखिए हम लोग यहां से यहां लंब डालते हैं, तो एबीडी का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा, आप कहिएगा हाफ बीडी इनटू हाइट, और हाइट हम लोग एच ले लेते हैं। फिर ए डी सी का क्षेत्रफल आप क्या लिखिएगा, आप कहिएगा हाफ आधार क्या डी सी इंटू क्या एच। अब देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो रहा है, एच एच कैंसिल हो रहा है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या निकला, तो उसी आधार में जो उसका आधार बटा हुआ है इसी आधार के अनुपात में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका यूज आज हम लोग लेंगे बहुत बार। सबसे पहला बात, केंद्रक या सेंट्रोइड क्या है, केंद्रक या सेंट्रोइड क्या है। त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग गुरुत्व केंद्र अथवा केंद्रक कहेंगे। सबसे पहले आप समझिए माध्यिका, यह माध्यिका, माध्यिका क्या होता है। किसी त्रिभुज में एक शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, माध्यिका। कोई त्रिभुज एबीसी है, अगर ए से एक रेखा लें जो बीसी के मध्य से, कोई बिंदु डी है जो बीसी का मध्य बिंदु है, अगर एडी को मध्य बिंदु से हम लोग ले जाएंगे तो ये रेखा क्या कहलाएगा, माध्यिका। माध्यिका आप समझ चुके हैं, मतलब अगर ये माध्यिका है तो बीडी बराबर डीसी का होगा। सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखना, माध्यिका आप समझ गए। माध्यिका क्या होता है, शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम लोग माध्यिका कहेंगे। और अगर हम लोग माध्यिका खींचते हैं तो सामने का भुजा दो भाग में बट जाता है, बराबर भाग में, यानी बीडी बराबर डीसी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग परिभाषा लें, देखिए परिभाषा क्या कहता है, और परिभाषा ध्यान से देखना, आजकल परिभाषा भी क्वेश्चन में पूछ रहा है। केंद्रक या सेंट्रोइड क्या है, तो त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्व केंद्र अथवा केंद्रक। अगर कोई त्रिभुज एबीसी है, एडी माध्यिका है, बीई माध्यिका है, सीएफ माध्यिका है, तो इन माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, इन माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग नाम क्या देंगे, केंद्रक। यही क्या है, ये केंद्रक है, यही केंद्रक है, यही सेंट्रोइड है, यही गुरुत्व केंद्र है। अब आइए, हूबहू क्वेश्चन परिभाषा से ही पूछ लिया है, देखिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है एक त्रिभुज एबीसी में ए डी बी और सी एफ क्रमशः शीर्षों ए बी सी से माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं ए डी बी और सी एफ के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा माध्यिकाओं के, ये क्या है, माध्यिका है, और ये क्या है, माध्यिका है, और ये क्या है, माध्यिका है, और माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हमने क्या पढ़ा, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते हैं, और यहां पूछ रहा है माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु कटान बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, तो केंद्रक कहेंगे, हमारा आंसर केंद्रक होगा। अब हम लोग अगला बात देखें आगे। अब सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या पढ़ेंगे, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भाग में बांटती है। सबसे पहला बात आपको क्या जानना है, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भाग में बांटती है। क्यों, अभी हमने पढ़ा कोई त्रिभुज एबीसी है,
और हमने अगर माध्यिका लिया है, इसका मतलब अगर ये डी बिंदु है तो बी डी बराबर डी सी होगा। अगर ए डी माध्यिका है तो क्या बी डी बराबर डी सी होगा? आप कहेंगे होगा। और आधार बराबर होगा तो दोनों क्षेत्रफल भी बराबर होगा, क्योंकि कुछ देर पहले हमने यही कहा कि आज इसको बेस बनाकर बहुत बात हम लोग साबित करने जा रहे हैं। आधार बी डी और डी सी बराबर है तो जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा, यही बात अभी हम कुछ देर पहले समझाए। तो आपको पता चल गया कि माध्यिका त्रिभुज को दो समान भाग में बांटती है। अब इससे रिलेटेड सवाल देखिए कितना आसान पूछा गया है। सवाल क्या है देखिए, सवाल है यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है और त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, एबीडी का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एबीसी का क्षेत्रफल। कितना आसान सवाल पूछा गया है। ए बी सी और ए डी माध्यिका है, क्षेत्रफल 16 किसका दिया हुआ है? ए बी डी का। ए बी डी का इसका क्षेत्रफल कितना है? आप कहेंगे 16 है तो आप झट से कहेंगे इसका भी क्षेत्रफल 16 होगा, क्योंकि अभी अभी आपने प्रॉपर्टीज क्या देखा? आपने देखा माध्यिका दो समान क्षेत्रफल में बांटती है, माध्यिका दो समान क्षेत्रफल में बांटती है तो इधर क्षेत्रफल 16 होगा तो इधर भी क्षेत्रफल 16 होगा। और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पूछ रहा है एबीसी का क्षेत्रफल। आप कहेंगे एबीसी का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये सवाल आसान था और ये सवाल पूछा गया था 2012 में, लेकिन इससे रिलेटेड एक और बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए अगला सवाल, और ये 21 में पूछा गया है। हमारा प्रॉपर्टी सेम है, एक ही प्रॉपर्टी से दोनों सवाल है, लेकिन दोनों सवाल को आप देखिए, दोनों सवाल में थोड़ा सा आपको फर्क लगेगा। पिछला सवाल आपको बहुत आसान लगा होगा, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको। देखिए त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, बिंदु ई, बिंदु ई एफ और जी क्रमशः एडी एई और डी के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुज बी जी बी एफ जी का क्षेत्रफल क्या होगा? बी एफ जी का क्षेत्रफल क्या होगा? और ऑप्शन क्या दिया हुआ? आप देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अब आते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, और कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। ए बी सी सिर्फ आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज क्या है। अगर प्रॉपर्टीज आपके पास है तो आप यहां दिमाग आसानी से लगा देंगे, आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, एडी क्या है? माध्यिका है, एडी माध्यिका है। और देखिए तीन बिंदु नाम लिया, क्या? ई एफ और जी। ई किसका मध्य बिंदु है? तो एडी का। ई किसका मध्य बिंदु है? एडी का। तो ई सबसे पहले ई ले लीजिए, ई किसका मध्य बिंदु है? आप कहेंगे एडी का, यानी एडी के बीच में ई कोई बिंदु है। अब फिर क्या कहता है, एफ, एफ किसका मध्य बिंदु है? तो एई का। अब एई कहां है? देखिए एई है, तो एफ किसका मध्य बिंदु है? एई का। तो एफ हम लोग एफ यहां लेते हैं, एफ किसका मध्य बिंदु है? एई का। और जी किसका मध्य बिंदु है? तो डी का। डी कहां है? डी यहां, तो जी यहां होगा। सबसे पहले आपने क्या देखा, ई मध्य बिंदु है एडी का और एफ मध्य बिंदु है, सॉरी ई मध्य बिंदु है किसका? एडी का। फिर एफ मध्य बिंदु है एई का और जी मध्य बिंदु है ईडी का। अब क्वेश्चन पूछता है बी एफ जी का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, आप इसको हटाइए और आधे त्रिभुज को गौर से देखिए। आपने हाफ आधा त्रिभुज हटा दिया यहां से। सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये मध्य बिंदु है, ये क्या है? मध्य बिंदु है। और ये ई मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये जितना होगा उतना ये होगा। आप कहेंगे ये बराबर होगा क्योंकि ये मध्य बिंदु है, और ये दोनों बराबर होगा तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अभी आपने क्या पढ़ा, हमने शुरू में ही कहा है, आज इस बात का यूज मैक्सिमम हम लोग लेंगे कि अगर ये मध्य बिंदु है और इसको मिलाएंगे तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। आधार जिस रेशियो में बटा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी रेशियो में बटेगा। हम लोग इधर से देखेंगे, अगर हमारा आधार ये है और ये मध्य बिंदु है तो जो क्षेत्रफल इधर होगा वही क्षेत्रफल इधर होगा, होगा ना? होगा।
अब देखिए, हम मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल 2 यूनिट है, ऊपर वाले का क्षेत्रफल 2 यूनिट है, तो नीचे वाले का भी क्षेत्रफल 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको आपको नहीं देखना, यहां से ऊपर देखना है, ये भी तो मध्य बिंदु है। अब अगर हम इसको मिलाते हैं यहां से, तो ये भी दो भाग में बट जाएगा। आप देखिए बी ई ए को देखिए, इसका क्षेत्रफल और ये उसका मध्य बिंदु है, तो क्या ये दो भाग में नहीं बांटेगा? तो इसका क्षेत्रफल 1 हो जाएगा और इसका भी क्षेत्रफल 1 हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी मध्य बिंदु है, इसको भी मिला देंगे तो इसका भी क्षेत्रफल 1 हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल 1 हो जाएगा। तो आपको चार छोटा छोटा त्रिभुज दिख रहा है और चारों का क्षेत्रफल समान है। कितना है? ये भी 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट। अब कुछ देर पहले जो आपका फिगर था, वो पूरा फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। पूरा फिगर आपका क्या था? पूरा फिगर आपका ये था। अब देखिए, इधर क्षेत्रफल 4 है, तो क्या इधर भी क्षेत्रफल 4 होगा क्या? क्योंकि ये माध्यिका है, ये क्या है? माध्यिका है। माध्यिका के इधर का क्षेत्रफल 4 यूनिट है, तो इधर भी तो 4 यूनिट होगा। तो पूरे क्षेत्रफल कितना हो गया? 8। पूरा क्षेत्रफल 8। और आपको चाहिए क्या? आप ध्यान से देखिए, आपको चाहिए किसका क्षेत्रफल? आपको चाहिए बी एफ जी का। कहां है बी एफ जी? बी एफ जी। और बी एफ जी को गौर से देखिए तो इसका क्षेत्रफल 2 यूनिट है, 1 और 1, तो ये 2। तो आपका आंसर क्या हो रहा है? 1/4। मतलब इसका क्षेत्रफल पूरे के क्षेत्रफल का कौन सा भाग है? 1/4। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा 1/4 किसका? त्रिभुज एबीसी का। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो पूरे क्षेत्रफल का क्या होगा? 1/4। पूरे क्षेत्रफल का क्या हो रहा है? 1/4। तो आपने देखा, कंसेप्ट वही है। पिछले क्वेश्चन को भी हम लोग इसी आधार पर बनाए कि माध्यिका 2 बराबर भाग में बांटता है, लेकिन कंडीशन थोड़ा सा ज्यादा दे दिया था, तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन अगर आपके पास हर बात पता है, क्या होता है, हर प्रॉपर्टीज का जानकारी है, तो आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन लीजिए, प्रॉपर्टीज नंबर 2। केंद्रक को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज को 3 बराबर भाग में बांटती। कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी है और ये जी है, आपका केंद्रक जी है। तो जी से अगर तीनों शीर्ष को मिला दें तो 3 छोटा छोटा त्रिभुज बन रहा है। अगर केंद्रक से हम तीनों शीर्ष को मिला दें तो 3 छोटा छोटा त्रिभुज बन रहा है, और इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब आइए हम लोग सबसे पहले देखें कैसे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे जो 21-22 में पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ा दें। अब जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, आप कहिएगा ये रेखा माध्यिका हो गया, ये केंद्रक है, माध्यिका पर ही तो केंद्रक होता है। इसको जैसे ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे ये माध्यिका हो जाएगा, और जैसे ही माध्यिका हो जाएगा, आपने क्या पढ़ा? सबसे पहला प्रॉपर्टीज पढ़ा, और प्रॉपर्टीज से पहले भी हमने आपको क्या पढ़ाया कि आधार जिस रेशियो में बटा होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में बटा होता है। तो ये अगर माध्यिका है तो माध्यिका के इधर का क्षेत्रफल और माध्यिका के इधर का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आप कह देंगे क्या? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और बराबर होगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा। और ये हमने किस त्रिभुज में लिया? ये हमने लिया ए बी सी में, ये हमने किस में लिया? ए बी सी में। अब यही काम हम लोग कहां करेंगे? बी जी सी में। बी जी सी भी तो एक त्रिभुज है, बी जी सी भी तो एक त्रिभुज है, और यहां भी ये भी तो माध्यिका है। देखिए ये बराबर है तो ये तो माध्यिका हो ही जाएगा, क्योंकि शीर्ष से सामने के भुजा से, भुजा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा ही तो माध्यिका होता है। अब ये मध्य बिंदु है यहां, ये दोनों बराबर है तो ये माध्यिका हो जाएगा। किस त्रिभुज में? बी जी सी में। और ये जब माध्यिका हो जाएगा तो ये छोटा त्रिभुज, ये दोनों, ये छोटा त्रिभुज, इसका बात कर रहा हूं, ये त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा? ई त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज, इसको समीकरण 1 हम लोग समझेंगे, इसको समीकरण 2 समझेंगे, और त्रिभुज यहां होगा बी जी डी का क्षेत्रफल, बी जी डी का क्षेत्रफल, और ये बराबर होगा
सी जी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी जी सी जी डी का क्षेत्रफल, ऐसा होगा क्या? होगा। और समीकरण एक में दो को घटाएंगे साबित हो जाएगा, समीकरण एक एक में दो को घटाएंगे। एक क्या कहता है? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। और यहां क्या कहता है? बी जी डी का क्षेत्रफल। इस बड़े त्रिभुज में ये छोटा वाला त्रिभुज जिसको हम लोग रंग रहे हैं ये घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा और उसका नाम क्या है? बी जी ए का क्षेत्रफल। ये क्या कर रहे हैं? समीकरण एक में दो को हम लोग घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? ये बी जी ए का क्षेत्रफल। और इधर भी क्या है? इधर क्या देखिए, ए सी डी, ए सी डी, और उसमें घट क्या रहा है? सी जी डी, सी जी डी, ये मतलब ये घट रहा है। इसको थोड़ा सा अलग कर कलर दिखा देते हैं। ये हम घटा रहे हैं, ये हम क्या घटा रहे हैं? ये घटा रहे हैं। इस त्रिभुज में अगर ये हम घटा देंगे तो दिखेगा क्या? क्या बचता हुआ दिख रहा है? आप कहेंगे ए जी सी बचता हुआ दिख रहा है, तो बराबर त्रिभुज ए जी सी का क्षेत्रफल। और यही तो हमको साबित करना था, यही हमको दिखाना था। अब गौर से देखिए, हमको क्या दिखाना था? ये जो त्रिभुज है ना ए जी बी, ये बराबर है किसके? ए जी सी के। ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों हमने बराबर कर लिया। और ये बराबर क्यों हुआ? इसको बराबर करने के लिए हमने क्या किया? इसको बराबर करने के लिए, जिसको हमने बराबर दिखाया उसको बराबर करने के लिए हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। ए बी सी हमने इसको बढ़ाया, यही किया ना, हमने इसको बढ़ाया। इसको बढ़ाने से ये दोनों बराबर हो गया, तो क्या इसको बढ़ा देने से ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा क्या? जैसे अभी ये दोनों बराबर हो गया इसको बढ़ाने से, तो हम इसको बढ़ा देंगे तो कुछ देर के बाद ये बराबर हो जाएगा, तो तीनों एक दूसरे से बराबर होता हुआ दिख रहा। तो आपने क्या देखा? केंद्रक से तीनों शीर्ष को मिलाते हैं तो तीनों, जो तीन छोटा छोटा त्रिभुज बनता है आपस में बराबर होता है। और इसका यूज लीजिए, आप सोच रहे होंगे कि इतना प्रॉपर्टीज जानकर हम क्या करेंगे। आप क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे आपको लगेगा ये हमको जानना पड़ेगा क्वेश्चन, इसीलिए हर प्रॉपर्टीज के साथ कुछ क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपको लगे कि ये प्रॉपर्टीज व्यर्थ नहीं है पढ़ना। आपको लगेगा कि ये हम नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, तो आप थोड़ा ज्यादा एकाग्र होंगे, इसलिए हर प्रॉपर्टीज के साथ हमने सवाल लाया है। और सवाल देखिए 2021 का है और एसएससी सीएचएसएल का सवाल है 2021 का। क्वेश्चन क्या कहता लीजिए, क्वेश्चन कहता है एबीसी में माध्यिकाएं बी और सीएफ एक दूसरे के लंबवत है और एम पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, और बी का मान इतना सीएफ का मान इतना है, तो त्रिभुज एबीसी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिभुज एबीसी का मान, त्रिभुज एबीसी का मान लीजिए। सबसे पहले आप त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम एबीसी है, त्रिभुज का नाम एबीसी है। BE और CF एक दूसरे पर लंब है, BE और CF एक दूसरे पर लंब है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। BE यहां है और CF यहां है, लेकिन ये एक दूसरे पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। अब आइए, यहां से यहां BE का लेंथ दिया हुआ कितना? 9। BE अगर 9 है तो अगर इसका नाम M है तो ये BM कितना होगा? आप कहेंगे 6। ये अभी हम लोग इस बात का चर्चा आगे करने जा रहे हैं कि माध्यिका जो होता है ना, माध्यिका को केंद्रक 2:1 में बांटता है। अगर ये केंद्रक है, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं ये हम लोग जानते हैं, तो ये केंद्रक है और ये पूरा माध्यिका का लेंथ 9 है, तो यहां से यहां 6 होगा क्योंकि ये 2/3 होगा, क्योंकि ये 2:1 में बटा होता है, ये एक भाग होता है और ये दो भाग होता है, ये भी अभी हम लोग कुछ देर में साबित करेंगे। तो यहां से यहां अगर 6 है तो यहां से यहां कितना होगा? तो ये पूरा लेंथ दिया हुआ कितना दिया हुआ? 13। सी एफ सी कितना दिया हुआ? 13। तो ये कितना होगा? सी एम का लंबाई होगा इसका 2/3, इसका 2/3, मतलब ये एक भाग होता है और ये दो भाग होता है, तो यहां से यहां कितना होगा? 2/3 भाग। तो यहां से यहां का लेंथ कितना निकला? 26/3। और आप जानते हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे को 90 पर काट रहा है, एक दूसरे को 90 पर काट रहा है, तो क्या
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल पाएंगे क्या? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल पाएंगे क्या? आसानी से निकल जाएगा। देखिए, आप कहेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कौन सा मुश्किल है? आधार 6 दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। आधार 6 दिया हुआ, आधार क्या दिया हुआ? 6। आधार ये 6 है, एक दूसरे को 90 पर काट रहा है, तो आधार 6 होगा तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? 26/3। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ऐसा होगा क्या? ये क्षेत्रफल किसका होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग लाल रंग से रंग चुके हैं, इसका क्षेत्रफल आप कहेंगे इतना, और ये कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 3 बार, ये 3 से 3 कट जाएगा। तो आपने क्षेत्रफल निकाला किसका? रंगे हुए भाग का। और ये रंगा हुआ भाग अभी आप कुछ देर पहले क्या देखें उसको दिखाते हैं। अभी आपने देखा कि केंद्रक से इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे तो ये जो क्षेत्रफल होगा ना, और इधर जो क्षेत्रफल होगा, इधर जो क्षेत्रफल होगा और इधर जो क्षेत्रफल होगा, वो तीनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यही ना पढ़े? तो ये क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। अगर इसका मान 10 होगा तो इसका भी मान 10 होगा, इसका भी मान 10 होगा। तो इसका मान अगर 10 दिया हुआ तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आप कहेंगे 10 गुना 3। अगर इसका क्षेत्रफल हमको मिल जाए तो तीनों क्षेत्रफल तिगुना कर देंगे। वही तो सवाल है आपका, वही सवाल है। देखिए, अगर इसका ये लाल कलर से रंगा हुआ है और इसका क्षेत्रफल हमने 26 निकाला है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो क्या ये 1/3 होता है? ये क्या होता है? 1/3। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 गुना। ये आपका आंसर होगा, 26 3 78। अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है? त्रिभुज में 3 माध्यिका खींचने पर त्रिभुज 6 समान क्षेत्रफलों में बट जाती है। मतलब कोई त्रिभुज ए बी सी है और माध्यिका बी ई ए डी और सी एफ है, तो ये जो 6 भाग में बटा है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, पांचवा और छठा, आप देख रहे हैं 6 त्रिभुज है, इन 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इन 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग देख लें कि ये 6 बराबर क्यों होता है। आइए, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि ये बराबर क्या क्यों होता है। अभी सबसे पहले, या इसको थोड़ा सा और पीछे चलते हैं हम लोग, हमने अभी क्या साबित किया कुछ देर पहले? हमने साबित किया कि ये तीनों बराबर होता है। हमने साबित किया ये तीनों बराबर होता है। अगर ये जी है तो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये हमने साबित किया। अब क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल 2 यूनिट है, तो आप कहेंगे इसका भी क्षेत्रफल 2 यूनिट होगा और इसका भी क्षेत्रफल 2 यूनिट होगा। ऐसा होगा क्या? होगा। अब हम माध्यिका खींचते हैं। अब इसको थोड़ा, ये जी है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या छोटे त्रिभुज को देखिए, जी बी सी का क्षेत्रफल, अगर पूरे का क्षेत्रफल 2 है तो क्या ये 1 और ये 1 हो जाएगा? एक यूनिट होगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि ये माध्यिका है, तो ये क्या है? ये बराबर बराबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तो बराबर बराबर होगा। ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। उसी तरह अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, तो इसको आगे बढ़ा देंगे तो आप कहिएगा ये 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा। उसी तरह हम इसको आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, तो इसका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट और 1 यूनिट। तो आप देख रहे हैं 6 त्रिभुज हो रहा है और 6 का क्षेत्रफल 1 1 1 1 हो रहा है, यानी सबका क्षेत्रफल बराबर हो रहा है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि त्रिभुज में 3 माध्यिका खींचने पर त्रिभुज 6 समान क्षेत्रफलों में विभक्त हो जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 माध्यिका खींचेंगे, दूसरा माध्यिका खींचेंगे और तीसरा माध्यिका खींचेंगे, तो 6 त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, इन 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अब इससे रिलेटेड सवाल लीजिए, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एडी बीई सीएफ माध्यिका है जो एक दूसरे को जी बिंदु पर काटती है, चतुर्भुज एफ जी ई ए का क्षेत्रफल क्या होगा यदि एबीसी का क्षेत्रफल 75 मीटर स्क्वायर है? एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? 75 मीटर स्क्वायर है।
फिगर लीजिए आप एबीसी, ए बी सी और ए डी बी ई और सी एफ, ये क्या है? माध्यिका है। तो क्वेश्चन कहता है चतुर्भुज, चतुर्भुज एफ जी ई ए, एफ जी ई ए, एफ जी ई ए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। और इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? दिया हुआ है क्षेत्रफल 75 मीटर स्क्वायर। किसका? इन सब का। तो सब का क्षेत्रफल 75 है, तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा? 75/6, ऐसा होगा क्या? हमने अभी क्या पढ़ा? तीन माध्यिका त्रिभुज को 6 समान भाग में बांटती है। तो एक, अब 6 त्रिभुज आप ले लीजिए, 6 त्रिभुज में एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो आप देख रहे हैं आपको जो क्षेत्रफल पूछ रहा है चतुर्भुज का, वो वास्तव में दो त्रिभुज है। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बता देना है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल छठा भाग होगा क्या? पूरे का क्षेत्रफल 75 है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल छठा भाग होगा, क्योंकि ये 6 समान भाग में बंटता है। तो 6 से भाग लगा देंगे तो एक त्रिभुज का होगा, और आपको दो त्रिभुज चाहिए, तो 2 से गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 3 बार में, और ये 25। मतलब एफ जी ई ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 25। अगर यहां पूछता ई जी डी सी का क्षेत्रफल तो भी 25 होता, क्योंकि ई जी डी सी में भी दो त्रिभुज आ रहा है, एक त्रिभुज और दो, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज का मान आपको बताना था। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे अगर हर प्रॉपर्टीज आप जानते हैं तो। अब आइए अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है। यदि एडीबी तथा सीएफ त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं और जी इसका गुरुत्व केंद्र या केंद्रक है, तो हमको बताना है एजी बाय जीडी, बीजी बाय जी और जीसी बाय जीएफ का रेशियो 2:1 होता है। यहां क्या हमको दिखाना है? आइए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लें, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लें ए बी सी, ए डी बी ई और सी एफ, तीन माध्यिका हम लोग लिए। हमको क्या दिखाना है? ए जी, हमको क्या दिखाना है? ए जी और जी डी, जी डी का रेशियो 2:1 है, 2:1 है। हमको रेशियो क्या दिखाना है? 2:1। ए जी और जी डी किस रेशियो में बटा होता है? तो 2:1 में, यानी केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? ये अगर जी केंद्रक है तो माध्यिका दो भाग में बटा, और ये दो भाग का रेशियो क्या होता है? 2:1। इसका यूज भी अभी हम लोग एक क्वेश्चन में लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना, और इससे भी रिलेटेड बहुत सारा सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले अभी हमने क्या दिखाया था? अभी हमने दिखाया था, अभी हमने ये दिखाया था। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कितना बात निकल कर आता है। हमने दिखाया था कि ये तीनों क्षेत्रफल बराबर होता है। हमने क्या दिखाया था? तीनों क्षेत्रफल बराबर होता है। उससे क्या पता, अगर हमने इसको बढ़ा दिया तो हमने ये भी कहा कि ये भी दोनों आपस में बराबर है, मतलब इसका क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो इसका भी क्षेत्रफल 2 यूनिट होगा, और इसका भी क्षेत्रफल 2 यूनिट होगा, और इसको हम मिला देंगे तो ये एक और ये एक हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इस हाफ को मिटा देंगे तो क्या दिखाई देगा? इस हाफ को मिटाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर कोई त्रिभुज ए बी और यहाँ डी है, तो यहां से यहां तक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 है। अब आप देखिए, आपको सबसे पहले हमने क्या आज दिखाया था? हमने दिखाया था कि आधार जिस रेशियो में बटा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में बटा होता है। जैसे ये आधार 1 है और ये आधार 2 है, तो क्षेत्रफल भी 1:2 होगा। तो क्षेत्रफल का रेशियो 1:2 है, तो आधार का भी रेशियो 1:2 हो जाएगा। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि इन दोनों का क्षेत्रफल 1:2 है क्या? है, तो आधार भी तो 1:2 में होगा। आधार का रेशियो 1:2 होगा,
तो क्षेत्रफल भी 1:2 होगा, तो क्षेत्रफल 1:2 है तो आधार भी 1:2 होगा, तो यहां से यहां 1 और यहां से यहां 2 होगा क्या? यही तो हमको दिखाना था, हमको दिखाना था। यहां भी देखिए, अगर इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल 1 है तो ये 1 होगा, तो ये पूरा क्षेत्रफल क्या हो गया? 2। तो ये 2 क्यों होगा? क्योंकि ये अगर 2 है और ये 1 है तब तो क्षेत्रफल का रेशियो 1:2 हो रहा है। आधार 1:2 है तो क्षेत्रफल भी 1:2 होगा, और क्षेत्रफल 1:2 होगा तो आधार भी 1:2 होगा। तो आपने देखा एजी का मान क्या हो रहा है 2, तो जीडी का मान क्या हो रहा है 1। और अगर इसका और भी प्रमाण है, लेकिन और प्रमाण जो है बहुत लेंदी है, आप अंडर मैट्रिक में भी आप इसको प्रमाणित किए होंगे जहां आप ज़्यादा समय दिए होंगे, लेकिन हम लोग को इतना समय देने से मतलब नहीं है, हम लोग को हर बात समझना है ये क्यों कहां कैसे है। आप समझ गए हैं कि ये क्यों आया और क्यों ये 2:1 है। अब हम लोग आगे बढ़ें और इससे रिलेटेड सवाल भी हम लोग लें। देखिए सवाल क्या पूछा है और कितना आसान पूछा है। ए डी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, पी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, यदि एपी का मान इतना तो पीडी का मान कितना? देखिए सवाल क्या पूछा। आप शायद पेन नहीं लगाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन में आप पेन लगाते हैं तो आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं। ये क्या है? ये पी, ये दिया हुआ है एपी, ये क्या है? एबीसी का केंद्रक है, यदि एपी का मान पी का, ये केंद्रक है, ये पी है, ये पी है, और हमने आगे बढ़ा दिया और इसका नाम हमने डी ले लिया और यहां डी दिया हुआ है। अब कहता एपी का मान 14 है, एपी का मान 14 है तो क्या ये 7 नहीं होगा? अभी कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा, ये केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, तो ये भाग 2 होगा तो ये भाग 1 होगा, ये भाग 14 होगा तो ये भाग 7 होगा। अब आप पेन नहीं लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम ये उम्मीद करते हैं। आते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज को देखें। चूंकि ई तथा एफ क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, अतः ई एफ बीसी के समांतर और क्या होगा? आधा होगा। देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, यहां कहा यह जा रहा है कि एबीसी त्रिभुज है, ए डी बी ई और सी एफ माध्यिका है, जी केंद्रक है, तो कहा जा रहा है कि ई क्या है? मिडिल पॉइंट है। ई तो मध्य बिंदु होगा ही, क्योंकि बीई क्या है? माध्यिका है। बीई जैसे माध्यिका है, ई मध्य बिंदु होगा, क्योंकि माध्यिका मध्य बिंदु से गुजरता है। उसी तरह एफ भी मध्य बिंदु होगा, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ई एफ या एफ ई इस बी सी के क्या होगा? समांतर भी होगा और आधा भी होगा। ये बात हम लोग थेल्स प्रमेय में भी पढ़े हैं, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा तीसरी के समांतर और आधी होती है। ये रेखा तीसरी के समांतर और आधी होती है। यहाँ हम लोग ज्यादा वक्त नहीं देंगे, इसको प्रमाणित नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं। हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े हैं, वहां भी इसका चर्चा किए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में भी इसका हमने चर्चा किया है कि ये इसके क्या होगा? समांतर भी होगा और लेंथ में आधा भी होगा। अब हम लोग आगे बढ़े। अब अगला बात है, केंद्रक जी त्रिभुज डी ई एफ का भी केंद्रक होगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा अगर इस बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहां कहा क्या जा रहा है, यहां कहा क्या जा रहा है, ये लीजिए। अगर त्रिभुज एबीसी है और ये ए डी बी ई सी एफ माध्यिकाएं हैं और जी केंद्रक हैं, तो हमको बताना है कि जी डीईएफ का भी केंद्रक है, जी एबीसी का केंद्रक है, ये दिया हुआ है। अगर हम इसको मिला दें तो एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है एफ डी ई। एफ डी ई का केंद्रक भी ये जी होगा। जी किसका केंद्रक होगा? बड़े त्रिभुज का तो केंद्रक है ही, इस छोटे त्रिभुज का भी केंद्रक होगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जी उसका भी केंद्रक है? हम कैसे मान लें? हमने कह दिया ये केंद्रक है, आप कैसे मान लेंगे? आइए सबसे पहले ये केंद्रक है, इसके लिए हमको साबित करना होगा। अगर इसका नाम पी ले लें, इसका नाम हम पी ले लें या ओ लें, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ओ ही है तो आपको ध्यान भी रह जाएगा, याद भी रह जाएगा।
इसका नाम ओ लें तो हमको साबित कर देना है कि ओडी माध्यिका है इस त्रिभुज में। हमने अगर ओडी को माध्यिका साबित कर दिया तो ये माध्यिकाओं का कटान बिंदु हो जाएगा, और माध्यिकाओं का कटान बिंदु हो जाएगा तो केंद्रक हो जाएगा। हमको क्या साबित करना है, ओडी माध्यिका है। अगर ओडी माध्यिका होगा तो ये भी माध्यिका हो जाएगा और ये भी माध्यिका हो जाएगा, तो हमको तीनों को साबित करने का जरूरत नहीं। किसी एक को अगर हम माध्यिका साबित कर देंगे तो दूसरा भी उसी प्रकार साबित हो जाएगा, तो दूसरे जगह वक्त नहीं देना है। आपको ये बताना है कि ये माध्यिका है, और ये माध्यिका कब होगा, जब आप कहिएगा कि यहां से ये मध्यबिंदु से गुजरेगा। कोई भी रेखा माध्यिका कब होता है, ये माध्यिका कब होता है, जब ये बराबर हो जाए, मतलब ये मिडिल पॉइंट से गुजर रहा हो तो माध्यिका हो जाता है, तो ये माध्यिका हो जाएगा। अब आइए उसको हम माध्यिका दिखाते हैं, कुछ नहीं है। अभी पिछले प्रॉपर्टीज में हमने दिखाया कि ये रेखा EF जो होता है वो BC के क्या होता है, समांतर भी होता है और आधा भी होता है। EF रेखा BC के क्या होता है, समांतर भी होता है और आधा भी होता है। मतलब अगर हम BC को 20 कह दें तो आप EF को 10 कह दीजिएगा, अगर हम BC को 20 कह दें तो EF को क्या कह दीजिएगा, आप EF बराबर 10 कह दीजिएगा, EF बराबर 10 कह दीजिएगा, कह दीजिएगा ठीक। अब हम कहां चलते हैं, जरा सा ध्यान देना आपको। अब हम चलते हैं ADB में। अगर यहां से यहां तक हमने 20 माना तो ये क्या होगा, आप कहेंगे 10 होगा, क्योंकि ये डी मध्य बिंदु है तो ये हाफ हाफ में बांट देगा, ये 10 होगा। अब किस त्रिभुज में चलना है, जरा सा इसको हम दिखा रहे हैं किस त्रिभुज में चलना है। यहां से यहां देखिए, इसको हम व्हाइट कलर में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस त्रिभुज में आप देखिए तो BD अगर 10 है तो ये यहां से यहां 5 होगा, क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसके समांतर ये है, तो आप ये भी जानते हैं ये मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। अब कहिएगा, आप ये कह सकते हैं कि F का मध्य बिंदु है तो क्या वो यहां भी मध्य बिंदु से गुजर रहा है क्या। हाँ, थेल्स प्रमेय में आपको पढ़ाया गया है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर रेखा खींचेंगे तो तीसरे भुजा के मध्य बिंदु से ही जाएगा। आपने क्या पढ़ा, आपको थेल्स प्रमेय भी हमने पढ़ाया है, आपने वहां देखा होगा किसी त्रिभुज में इस भुजा के समांतर खींचेंगे इसके मध्य बिंदु से तो इसके भी मध्य बिंदु से ही गुजरेगा, यहां से जो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं ये रेखा इस रेखा के समांतर है, आप कह रहे हैं यहां मध्य बिंदु से गुजर रहा है, आप कह रहे हैं गुजर रहा है, तो यहां भी मध्य बिंदु से गुजरेगा, ऐसा होगा क्या, मध्य बिंदु से गुजरेगा। तो अब यहां से देखिए, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा इस रेखा के क्या होगा, हाफ होगा, तो ये 10 होगा तो ये 5 होगा, उसी तरह ये 10 होगा तो ये भी 5 होगा। हमने साबित कर दिया कि यहां से यहां 5 है और यहां से यहां 5 है, मतलब ये मिडिल पॉइंट है और यहां से ये मिडिल पॉइंट से गुजर रहा है, मतलब ये ओडी क्या है, माध्यिका, और ओडी माध्यिका है तो ये भी माध्यिका होगा और ये भी माध्यिका होगा, और माध्यिकाओं का कटान बिंदु जी, तो आपने देखा जी FED का भी केंद्रक है, जी ABC का तो केंद्रक है ही, FED का केंद्रक है। अब आप सोच रहे होंगे ये इसका भी केंद्रक है, हमने मान लिया, फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, सवाल देखिए, सवाल देखेंगे, सवाल आप बिना कैलकुलेशन के बिना कुछ किए आंसर कर पाएंगे अगर इतना कंसेप्ट आपके पास है तो। आपने क्या देखा कि जी इसका भी क्या है, केंद्रक है, जो इस त्रिभुज का केंद्रक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सवाल जब आएगा तो इसका हम लोग यूज लेंगे। अगला बात हम लोग क्या जानेंगे, अगला बात हम लोग जानेंगे त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज को 4 समान भाग में बांटती है। त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज को 4 समान भाग में बांटती है, देखिए कैसे। कोई त्रिभुज लीजिए आप, कोई त्रिभुज लीजिए ABC और माध्यिका लीजिए AD, माध्यिका लीजिए BE और माध्यिका लीजिए CF। आपने माध्यिका लिया, अब कह रहा है त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज को, और माध्यिका ये है तो हम लोग माध्यिका नहीं खींच के मध्य बिंदु सिर्फ रख लेते हैं,
माध्यिका तो मध्य बिंदु से ही गुजरेगा, तो सिर्फ मध्य बिंदु रखते हैं, नहीं तो फिर फिगर समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे ये मध्य बिंदु है, माध्यिका खींचेंगे तो यही से गुजरेगा, तो सिर्फ मध्य बिंदु का जरूरत है, मध्य बिंदु को रखना है। यहां से माध्यिका खींचेंगे तो ये मध्य बिंदु होगा, और माध्यिका खींचेंगे तो यहां मध्य बिंदु होगा, यही होगा ना। अब इन्हीं मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो जो त्रिभुज बनेगा चार समान भाग में बटेगा। आपको चार त्रिभुज दिखाई दे रहा क्या? ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। बराबर ही नहीं, क्वेश्चन यहां से बहुत सारा पूछा गया है। पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो चारों त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा, सर्वांशम होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा, बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। आप अगर समझ जाएंगे तो कुछ भी ऑप्शन होगा आप आराम से कर पाएंगे। देखिए, अब इसको साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, इस भुजा को हम मान लेते हैं 2a। इस भुजा को हम क्या मान लेते हैं? 2a। इस भुजा को हम क्या मान लेते हैं? 2b। और इस भुजा को हम क्या मान लेते हैं? 2c। अभी कुछ देर पहले हमने आपको क्या पढ़ाया कि अगर ये मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा है तो इस तीसरी भुजा के समांतर भी होगी और आधी भी। तो यहां से यहां अगर 2a है तो ये क्या होगा? आप कहेंगे ए, कोई परेशानी क्या? अगर ये 2a है तो क्या ये a होगा? होगा। उसी तरह अगर ये 2c है तो क्या ये c होगा? क्या इसके समांतर ये होगा और आधा होगा, क्योंकि मध्य बिंदु से गुजर रहा है। उसी प्रकार अगर ये 2b है, यहां से यहां 2b है तो ये कितना होगा? b होगा। और यहां से यहां 2a है तो ये भी तो a और a होगा, यहां से यहां 2c है तो ये भी c और c होगा, और यहां से यहां 2b है तो ये भी b और b होगा। अब आप त्रिभुज के भुजाओं का लेंथ देखिए गौर से। इस त्रिभुज का भुजा क्या क्या है देखिए, तो ए बी सी। त्रिभुज का भुजा क्या? ए बी सी। इस त्रिभुज का भुजा ए बी सी, इस त्रिभुज का भुजा ए बी सी, और इस त्रिभुज का भुजा ए बी सी। अब आपको आंसर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो जो चार त्रिभुज बनेगा कैसा होगा? आप बिना सोचे समझे आप कहेंगे सर्वांगसम होगा, हर प्रकार से बराबर होगा, क्योंकि एक ही त्रिभुज बन रहा है, जिसका भुजा एबीसी, जिसका भुजा एबीसी, जिसका भुजा एबीसी, जिसका भुजा एबीसी। अब कहेगा सबका सबका क्षेत्रफल बराबर होगा, आप कहेंगे क्षेत्रफल जब सर्वांगसम हो गया तो समरूप भी होगा, क्षेत्रफल बराबर भी होगा, कोण बराबर भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप अगर इस फिगर को ध्यान में नहीं रखे हैं तो हो सकता है वहां आपका कुछ देर के लिए पेन रुक जाए। आप सोचकर आंसर हो सकता है कर दें, लेकिन वहां सोचने का वक्त आपके पास होता है क्या? वहां तो वक्त कैसे निकलता है पता ही नहीं लगता है। तो हर बात को अच्छे से आप पहले से समझ के गए हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में वक्त का अभाव आपको नहीं होगा। आइए हम लोग आगे बढ़े। अगला प्रॉपर्टीज, यदि जी गुरुत्व केंद्र है तथा ओ एजी तथा ईएफ का कटान बिंदु है। एजी इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और इसका नाम जी है, और ये ओ है। ओ एजी तथा ईएफ का कटान बिंदु है। एजी ईएफ का कटान बिंदु क्या है? ओ है। तो एओ अनुपात एडी कहां है? एओ अनुपात एडी का मान क्या होगा? 1:2। और ए और ए सी, ए ई ए ई और ए सी का रेशियो क्या होगा? 1:2। ये हमको दिखाना। आइए सबसे पहले देखिए हेल्स प्रमेय में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि अगर ये समांतर है इसके, या हेल्स प्रमेय के अलावा हम लोग समरूप त्रिभुज से भी चल सकते हैं। देखिए, क्या आपको त्रिभुज कौन सा देखना है? आधा त्रिभुज देखना है, यहां से यहां से यहां, जिसका नाम क्या है? ए और डी सी, और ये क्या है? ओ ई। हमने इस हाफ को दिखाने का अलग से प्रयास किया है। देखिए तो क्या ये इसके समांतर है क्या? और ये समांतर है तो दोनों त्रिभुज जो होगा वो समरूप होगा क्या?
इसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच लेंगे, हमेशा समरूप होगा। समरूप साबित करने का आपको प्रयास नहीं करना, हम दिखा देते हैं क्यों। क्योंकि ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, संगत कोण और ये कॉमन है, तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा, और त्रिभुज समरूप होगा तो भुजाएं आनुपातिक होंगी। भुजाएं आनुपातिक होंगी मतलब आप क्या लिखिएगा, इस त्रिभुज का भुजा लिखिएगा AO और इस त्रिभुज का भुजा लिखिएगा AD, ऐसा लिखिएगा क्या? AO और ये क्या है AD, बराबर क्या होगा? आप कहेंगे AE, आप क्या कहेंगे AE और बटा क्या AC, ये बराबर होगा क्या? और ये बराबर किसके होगा? 1:2 के होगा। ये बराबर किसके होगा? ये 1:2 के होगा। ये बात समझ में आई क्या? AO ये और ये क्या ये अनुपात बराबर नहीं होगा? और ये किसके बराबर होगा? ये 1:2 क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, ये मध्य बिंदु है, ये क्या है मध्य बिंदु है। तो ये अगर एक होगा तो ये भी एक होगा, तो क्या ये दो नहीं होगा क्या? यहां से यहां एक है और यहां से भी यहां एक है, तो क्या ये दो नहीं होगा? तो AO का मान क्या हो जाएगा? एक, और AD का मान क्या हो जाएगा? दो। तो आपने देखा यहां से यहां एक होगा तो यहां से यहां क्या होगा? दो होगा। आपने साबित हुआ होता हुआ देखा कि AO का मान अगर एक है तो AD का मान क्या है? दो है। यहां से एक और बात आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक और बात निकल कर आता है। क्या निकल कर आया, इसको नोट करना है आपको, इसको ध्यान रखना है। आपने देखा AO का मान एक है, AO का मान एक है, आपने देखा AD का मान दो है। आपने क्या देखा? AD कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। अगर ये एक है और यहां से यहां दो है तो ये भी एक होगा, यानी आप कहेंगे AO बराबर भी एक होगा और OD बराबर भी एक होगा। बात समझ में आई क्या? यहां से यहां एक है और यहां से यहां दो है तो ये भी तो एक होगा ना। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि AO और OD का रेशियो 1:1 होता है, मतलब ये लेंथ जितना होगा ये लेंथ उतना ही होगा। अब जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए आप सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है? XYZ एक त्रिभुज है, XYZ थोड़ा सा और स्पेस ले लें हम लोग। XYZ और यहां से एक माध्यिका है YM और यहां से एक माध्यिका है ZL, ठीक है, और ये केंद्रक है और इसको मिलाया गया। पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से। हम क्या करते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने सीखा है कि अगर इस मध्य बिंदु को हम मिला दें तो ये G जो केंद्रक है इस त्रिभुज का भी केंद्रक होगा। और आज सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया था, आपने दूसरा ही प्रॉपर्टीज ये सीखा था कि इसको हम मिला देते हैं तो तीन भाग में बंटता है और ये क्षेत्रफल जो होता है वो पूरे त्रिभुज का 1/3 होता है। उसी तरह क्या ये क्षेत्रफल इस त्रिभुज का 1/3 होगा क्या? आप कहेंगे हो। आप यहां देखिए, यहां फिगर में देखिए और यहां देखिए, एक ही बात है। यहां क्या है, ये केंद्रक है, केंद्रक से तीनों शीर्ष को हम मिला रहे हैं तो एक भाग का क्षेत्रफल 1/3 होता है, तो पूरे का क्षेत्रफल 3 गुना कर देंगे। यहां भी तो वही है, ये केंद्रक है, अगर इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे और इसको यहां से मिलाएंगे तो तीन त्रिभुज में बट रहा है क्या? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होगा तो इसका नाम एल है, ये एल है, तो LPM का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अगर इसका क्षेत्रफल एक होगा तो पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपने देखा इसका क्षेत्रफल 3, और आपने ये भी देखा कि तीन माध्यिकाओं को मिलाते हैं ना तो 4 समान भाग में बंटता है, तो इसका क्षेत्रफल 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला? 12। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 और इसका क्षेत्रफल आपने क्या माना था? 1। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल का कौन सा भाग हो रहा है?
एक बटे बारह भाग। हालांकि हमारे पास और भी उपाय है, आपको अगर ये ध्यान में नहीं आया तो हमने ये तरीका इसलिए अपनाया कि अभी अभी हमने आपको ये बात सिखाया है, और भी तरीका है हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का, वहां भी हम पेन नहीं लगाएंगे। जैसे ये लीजिए, ये लीजिए, यही है ना, और नाम है इसका x, y, z, और ये m है, ये l है, इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का तुलना कर लीजिए। इसको हम व्हाइट कलर से रंगते हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल का तुलना कर लीजिए। अगर इसका क्षेत्रफल एक होगा, इसका क्षेत्रफल एक होगा, तो इसका क्षेत्रफल चार होगा। कहिए क्यों? देखिए दोनों त्रिभुज समरूप होगा, दोनों समरूप क्यों होगा? ये कोण बराबर हो जाएगा इसके, ये कोण बराबर इसके, और ये तो आपस में बराबर होता ही है। और ये भुजा यहां से यहां दो है और ये भुजा एक है। भुजा अगर दुगुना हो तो क्षेत्रफल चार गुना होता है। समरूप त्रिभुज के का क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है? भुजा के स्क्वायर के अनुपात में। भुजा का अनुपात एक अनुपात दो है तो क्षेत्रफल का अनुपात एक अनुपात चार हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल एक होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चार। और ये क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल का क्या होता है? वन थर्ड। ये क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल का क्या होता है? वन थर्ड। ये चार है और पूरे का वन थर्ड है, तो पूरा कितना हो जाएगा? बारह। पूरा का मान बारह और इसका मान क्या? एक। ये आपका आंसर है। तो हमने आधार कुछ और लेकर भी समझा दिया, और इसके पहले जो हम आधार लिए वो प्रॉपर्टीज भी हम आपको बताएं। अगला सवाल, यदि BE तथा CF एक त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं हैं, BE तथा CF त्रिभुज ABC, त्रिभुज क्या है? ABC की दो माध्यिकाएं BE तथा CF, और ये इसका केंद्रक G है, और इसको यहां से मिलाया गया और इसको मिलाया गया, इसके कटान बिंदु का नाम O है, तो कहा जा रहा है AO अनुपात OG ज्ञात करें। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हम लोग इतना इतना प्रॉपर्टीज पढ़े, आज बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, जिसके बारे में आपको लग रहा होगा कि इसका क्या यूज है। इस क्वेश्चन को बताएंगे तो आपको लग जाएगा कि उस प्रॉपर्टीज का यूज क्या है और वो पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है। आज कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया एओ अनुपात ओडी, ये 1:1 होता है। ये कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि जितना AO होता है उतना ही OD होता है, और ये दिखाने से पहले हमने क्या दिखाया था? अभी कुछ देर पहले हमने ये दिखाया था आपको कि AO और AD इसका रेशियो होता है 1:2, मतलब AO का मान अगर एक होगा तो AD का मान दो होगा। उसी आधार पर हमने कहा था कि अगर एक है और ये पूरा दो है तो ये नीचे भी एक होगा। मतलब हमने आपको ये दिखाया, ये साबित किया कि AO बराबर होगा OD के, ये दोनों बराबर होगा, ये बात हम लोग को पता चल गया। और उससे कुछ देर पहले हमने आपको क्या दिखाया? हमने दिखाया कि इसको मिला देंगे ना तो जी इसका भी केंद्रक होगा, और जी इसका केंद्रक होगा तो ये 1 होगा, तो ये क्या 2 होगा? क्या आप कहेंगे होगा? छोटे त्रिभुज को हम बाहर से दिखाते हैं, देखिए छोटे त्रिभुज को दिखा रहे हैं, छोटा त्रिभुज ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा ये जी है क्या? तो ये एक होगा तो क्या ये दो नहीं होगा? क्या होगा? तो यहां से यहां एक होगा तो यहां से यहां दो होगा क्या? अब देखिए इस बात जो मान होगा हम उसको लिखने का प्रयास करते हैं। अगर ओजी का मान एक होगा तो जीडी का मान दो होगा क्या? अगर ओजी का मान एक होगा तो जीडी का मान दो होगा क्या? कहां से? जी उसका केंद्रक है, ये भी 2:1 में बटेगा, बटेगा क्या? तो ओडी का मान एक होगा तो जीडी का मान दो होगा, तो ओडी का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे ओडी बराबर 3 हो गया, आप कहेंगे ओडी बराबर 3 हो गया, और ओडी बराबर 3 हो गया तो ओडी बराबर एओ तो आप पहले से निकाल के रखे हैं, तो ओडी का मान 3 है तो ये इसका भी मान 3 हो जाएगा, तो एओ का मान आपने क्या निकाला? अब क्वेश्चन क्या पूछता है? एओ अनुपात ओजी, एओ का मान कितना है? एओ का मान कितना है? 3, और ओजी का मान कितना है? 1। आपका आंसर ये होगा 3:1। बात समझ में आई क्या? हमने क्या दिखाया? ये एक है, हमने दिखाया ये दो है तो ये 3 होगा, और ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा क्योंकि हमने बराबर दिखाया, तो ये यहां से यहां 3 हो गया, तो ये 3 है और ये 1 है, तो रेशियो क्या होगा? 3:1।
ऐसे क्वेश्चन में पेन ना लगाना पड़े, कैलकुलेशन ना लगाना पड़े, इसलिए हमने आज इतना प्रॉपर्टी समझने का प्रयास किया। अगर ये सब आपको याद रहेगा, अन्यथा इस क्वेश्चन में आप बहुत वक्त देंगे। अब हम लोग मिलते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टीज बाकी रह गया है, हम लोग केंद्रक के लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। हम लोग मिलते हैं अगले।